है। अभी 15 फरवरी तक रुद्राक्ष सीहोर में बटेंगे, उसके बाद में फिर रुद्राक्ष बटना बंद हो जाएंगे, फिर 15 मई से चालू होंगे, क्योंकि बीच में रुद्राक्ष उत्सव है, तो उसकी तैयारी करना, व्यवस्था करना, और जो शिवजी के अभिषेक के जो रुद्राक्ष 2 साल के रखे हुए थे वो सारे के सारे बटकर पूर्ण हो गए, 15 तारीख तक शायद पूरे के पूरे ही समाप्त तो हो जाएंगे। तो अब जितने रुद्राक्ष उत्सव के रुद्राक्ष थे वो तो पूर्ण हो गए, अब वापिस रुद्राक्ष उत्सव में वो अभिषेक कर पूजन कर जो रुद्राक्ष लाखों आते हैं उन सबको शिवलिंग के अंदर भर कर फिर उसको वापिस सिद्ध कर वापिस सब लोगों को दिए जाते हैं। अब उस बीच में रुद्राक्ष बटना तो बंद रहेगा। अब लोग सोचें कि रुद्राक्ष तो मिलेगा नहीं हम सीहोर कथा सुनने के लिए, हमारा निवेदन है आप उस कंकर शंकर की धरा पर 7 दिन 5 दिन 3 दिन 2 दिन 4 दिन बैठकर 1 रात्रि विश्राम कर जब आप कथा सुनेंगे, बेग भले कैसा भी लेकर आओगे पर ये विश्वास से कहते हैं कि अगली बार आओगे तो उसमें एक बेग तुम्हारा धन से भी भरा होगा जो तुम बाबा के ऊपर लुटा कर जाओ, क्योंकि कुबेरेश्वर धाम का एक नियम है जो आता है वो 3 महीने में वापिस जाता है। आप में से कई बैठे होंगे जो एक बार नहीं कम से कम 2-3 बार हो जाए, जो एक बार नहीं कम से कम 2 बार तो गए होंगे कुबेरेश्वर धाम, कम से कम 2 बार गए होंगे। आप में कई बैठे होंगे जो एक बार नहीं कम से कम 2 बार होकर आए, क्योंकि एक बार जो जाता है वो दूसरी बार फिर बुलाता है। 7 मार्च से 13 मार्च तक रुद्राक्ष उत्सव में भले रुद्राक्ष ना मिले पर प्रयास करना परिवार के साथ, कुटुंब के साथ, घर के साथ, दोस्तों के साथ, सहेलियों के साथ अपना डेरा कुबेरेश्वर धाम पर हम 7 दिन 5 दिन 3 दिन 2 दिन बैठकर कथा कर तत्व ग्रहण करें, उस कंकर शंकर की भूमि पर रहें जो 12 ज्योतिर्लिंग के बीच में है, और वहां रहकर हम कथा और शिव पुराण का आनंद लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर बाबा से अपने दिल की बात कहें। रुद्राक्ष तो मिल जाएगा, बाबा चाहेगा तो कभी भी प्राप्त होगा, पर कथा कुबेरेश्वर धाम पर साल में केवल एक ही दिन एक ही बार प्राप्त होती है, जिसके लिए लोग तरसते हैं और वहां कर बैठ कर कथा का रस तत्व ग्रहण करते हैं, उसको सुनना है हमको, उसको धारण करना है हमको। और तुम आओगे, तुम तो भगवान की कथा लेने के लिए आ रहे हो, कथा सुनने के लिए आ रहे हो, अपनी झोली भरने के लिए आ रहे हो, चोटें भी बहुत आएंगे। और सावधान इंडिया, मैं वनी के यहाँ के कलेक्टर महोदय को, एसपी डीएसपी कमिश्नर, यहाँ के एसडीएम, यहाँ के टीआई और यहाँ के सारे प्रशासनिक अधिकारियों को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने कथा के एक दिन पहले ही यहाँ इतने चोर लोग आ गए थे चेन और मंगलसूत्र काटने वाले, सबको उन्होंने बस में भर लिया और जेल में बंद कर दिया। मैं धन्यवाद दूंगा यहाँ की पूरी प्रशासन को, बहुत बहुत साधुवाद। और आपसे निवेदन है जितने लोग कुबेरेश्वर धाम आने वाले हैं, आपसे निवेदन है वहां पर सोना चांदी लेकर मत आना, क्योंकि मेरा कुबेर भंडारी डायमंड है। तुम्हारा सोना चांदी लेकर मत आना, मेरा कुबेर भंडारी पारस मणि है। पारस मणि जानते हो, जिसको छूता है लोहे को भी सोना कर देता है। तो तुम आना, छूना, सोने होकर चले जाना, बाद में 3 महीने बाद फिर आकर कुबेरेश्वर धाम पर बताना कि बाबा ने दिया कि नहीं दिया। तुम सोना चांदी लेकर मत आना, तुम्हारी अंबारियां लेकर मत आना, तुम्हारा जेवर आभूषण और महंगा वाला मोबाइल लेकर मत आना। तुम तो जिसपे तुम्हारा फोटो अच्छे से खींच सको